नमस्ते, हरीनास कुकिंग लैब में स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं सुपर हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर ऐसा राजमा सैलेड बनाएंगे। तो चलिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ये राजमा सैलेड की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सैलेड को टेस्टी बनाने के लिए सबसे पहले ड्रेसिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले लेंगे 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच ऑरेगानो डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल देंगे। हमेशा कोई भी सैलेड बनाए तो उसमें सेंधा नमक ही इस्तेमाल कीजिए, वो हेल्थ वाइज अच्छा रहता है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है पर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब एक बड़े से बाउल में राजमा लेने हैं 1 कप और उसके ऊपर 1/4 कप बॉयल किए हुए राजमा लिए हैं। राजमा को पूरी रात भिगोए बिना थोड़े से ही समय में बॉईल कैसे करना है अच्छी तरह से, वो मैंने नीचे मेथड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं। आज का ये सैलेड मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, जिसके लिए 1 कप चॉप किया हुआ खीरा ले लेंगे, 1 कप चॉप किया हुआ कैप्सिकम लेंगे, 1 कप चॉप किया हुआ कैबेज ले लेंगे और 1 कप चॉप किया हुआ टमाटर लेंगे। टमाटर को सीड्स निकाल के बाद में चॉप कीजिए। 1/4 कप बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न ले लेंगे। यहाँ पे आप सब्जी अपनी तरह से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और अगर रेगुलर बना रहे हैं तो गाजर और बीट भी स्टीम करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब ड्रेसिंग डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप राजमा की जगह पे छोले चना भी ले सकते हैं। बहुत सारी सब्जियों से बना हुआ ये प्रोटीन रिच और बहुत ही हेल्दी सलाद घर पर ज़रूर बनाइए। थोड़े से रोस्टेड पीनट ऊपर से डालेंगे। इस रेसिपी से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हो YouTube में कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करना ना भूलें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें।